सही है। तो आपको इससे पता चल ही जाओगा चिकू से मैंने कितना किचन का काम करवाया है। चिकू ढीला हो गया आटा। कितनी देर लगेगी? आज मैं मस्त सोई हुई हूँ और चिकू तैयार हो रहे हैं क्योंकि चिकू को पार्सल लगाने के लिए उदयपुर जाना है। बड़े दिनों से एक पार्सल पेंडिंग पड़ा हुआ था तो आज फाइनली इनको लगाने जाना ही है। तो अर्ली मॉर्निंग ही जाके आ जाएंगे। यूँ करके बेचारे उठ के तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको सुबह से उठाने का काम किया है और मैं खुद यहाँ पर सो गई इनको उठा के। और मेरे को देख के वो जल रहे हैं, कहीं लाइटें चालू कर दी थी ना, कहीं क्या कर दिया। मैं उठ गया, कैसे सोई है? बस अब मैं भी उठती हूँ और मैं फिर शॉप पे अकेली रहूँगी क्योंकि चिकू और हैप्पी पिया दोनों जा रहे हैं। तो फटाफट से मैं भी रेडी हो जाती हूँ। कितने बजे तक वापस आओगे? दो घंटे में मैं मुझे 2 बजे तक वापस हूँ। नहीं होता है? तुमको मेरे बिगड़ जाने का नहीं होता? टाइम नहीं, आप जाओ ना फिर शॉप पे। शॉप भी खोलनी पड़ेगी ना, लोगे ना? अच्छा ठीक है, चलो फोन करना। बाय बाय। कुछ लेके आओगे तो खा लेंगे। बाय। चिकू गए, अच्छा नहीं लगता है यार चल रहा है। इसके बाद अब मैं मेरे काम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ कंप्लीट और कस्टमर के कॉल्स भी आ गए हैं। तो अब चलो, शॉप पर अकेली हूँ तो बाहर किसी को बोलती हूँ जगह भैया को या फिर कोई भी होगा छोड़ दे, नहीं तो पैदल यात्रा तो है ही है। तो चलो तो शॉप पे आने के बाद मैंने सैलून का काम था वो कर दिया है और अभी पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि भाई जी आई नहीं रही है। सो एक बार झाड़ू मारती हूँ सब जगह पे, बहुत काम है यार। चिकू आ गए उदयपुर से और उदयपुर से मेरे मैकडे का बर्गर लेके आए, पनीर वाला वेज। आज मैं आगे भी अकेली हूँ, पीछे भी अकेली हूँ। चिकू थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं पर अकेली अकेली मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है। सो इसलिए थक गई हूँ आज के दिन में मैं पूरी बहुत ज़्यादा। मैंने कपड़ा भी ले गया पर कपड़ा तो मैं खाऊंगी जो मैंने कहा सर्दी अभी मिलती है, मुझे भूख लग रही थी बहुत क्योंकि मैंने सुबह मैकडी का एक बर्गर खाया था चिकन मेले लेके आया था। तुमने गाड़ी अभी ऊँची की क्या? गाड़ी ऊँची की तुमने? कपड़ा भी ले लिया, खाएंगे जिकू शांति से घर पर जाके। आपको खांसी नहीं हुई है क्या? मम्मी गए हैं मामा जी के घर पे तो घर लॉक है तो चाबी दुकान पड़ी है। चिकू ने घर पे छोड़ा मुझे, अभी चाबी लेने गए। फिर अब मैं अब क्या करूँगी, अब देखते हैं अपन क्या काम करें। ये मुझे शुभ लाभ हटाना है, मैंने गलती से लिख दिया है। शायद कुछ किया भी है, किसने कुछ किया है, पेंट किया भी है शायद, मुझे तो पता ही नहीं था। घर की चाबी लाए हो? अच्छा, मैं संजय बॉटल लेके ये डब्बा लेके आया, मैं नहीं तो मिलाता नहीं था। अच्छा, सो अभी चिकू बोल रहे खाना आज का पूरा मैं बनाने वाला हूँ तो तुम रेस्ट करो, मैं खाना बनाऊंगा। क्यों चिकू? मैं ऑडियंस को सही बता रही हूँ, आज का खाना पूरा आप बनाने वाले हो। ठीक है, देसी? ठीक है चलो, देसी खाना आज मिलने वाला है मस्त। मैं तो यहाँ पे सोई रही रहती हूँ, थोड़ी देर बाद जाएंगे किचन में काम करने दो। नहीं नहीं बेचारे बहुत केयर करते हैं। हे क्यूटी बाय। आटा छानने आता है? आटा छानने आता है? सब देख देख के सीख जाते हैं। अच्छा जी, तो अभी आटा छन के आ चुका है, अब कैंगन वाटर से। क्लीन वाटर क्यों ले रहे हो? कैंगन लो। हाँ, कैंगन में ही खाना बनाने का। पिंक सॉल्ट,
कितना चाहिए इस नमक का? दो चम्मच। दो चम्मच, एक दो, इनफ। हैंड वॉश किया आपने? नहीं, ऑफ कोर्स किए ही होंगे। देखो कितना नीट एंड क्लीन काम, नीट एंड क्लीन काम है मेरे। अच्छे से कर रहे हो, पर इतने में मैंने आटा बांध भी दिया था। मैं डेली का काम नहीं, मेरी रोटियां भी तो अलग बनेगी, डेली जैसी थोड़ी बनेगी। तो इसी में थोड़ा सा घी डाल दो, जोरदार बनेगी फिर तो। सब नहीं, आज पूरा खाना मिलने वाला है, मुंगमड़ वाली रोटी। आटा बन चुका है, हालांकि पर आपने भी बहुत जल्दी आटा बांधा, दूसरों के कंपैरेटिवली तो बहुत फास्ट बांधा। आपको कल वाली रोटियां भाई होगी, रात वाली मम्मी वाली कड़क कड़क। मैं तेरे हाथ की नहीं बाती। मेरे हाथ की सबको बाती, आपको ही नहीं बाती है। थोड़ा सा आटा और चाहिए ही, लग रहा है मुझे। कम पड़ेगा ना? कम भी प्लस ढीला भी लग रहा है। मैंने क्या कहा था, आटा ढीला हो गया है। मैंने कहा था आपको कि आटा ढीला हो गया। मैं तो ढीला टिकी रोटी बनाता हूँ। लगा बात, थोड़ा सा ले लो, आपके लिए माफ है। पिज़्ज़ा कर दो। तो अभी इतना बड़ा पिज़्ज़ा बनने वाला है? ऐसे ही बता दे डॉक्यूमेंट, वो भी कभी जाके बताना पड़ेगा ही। इच्छुक ऐसा पर है ना, कंपनीज को करना चाहिए पता है, कभी कभी सब कर रहे हैं। बराबर है, प्रैक्टिस सही है। तो आपको इससे पता चल ही रहा होगा इच्छुक से मैंने कितना किचन का काम करवाया है। बचपन से आता है। हाँ। कहो ना, पत्नी के अत्याचार नहीं है, ये मेरे को बचपन से आता है। मम्मी की जाती तो मैं स्कूल से आके फोन करता था कि कैसे कैसे क्या करूंगी, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी फिक्स थी। हाँ, फिर भिंडी लाते थे या फिर पड़ी होती थी? पड़ी रहती फ्रिज में। हाँ। तो जो दिखता उसमें से भिंडी और आलू लेता मैं। अच्छा। सबसे इजी और फास्ट। हाँ। तो लहसुन वगैरह सब डालता होगा। आप तो क्यूट लगते हो, ये सब चीजें करते हो। चिकु ढीला हो गया आटा। थोड़ा सा टाइट हो गया था इसलिए। मेरे को पता है कि मैं गूंद रहा हूँ। अरे पर बाप को पता है, पर मेरे को पता है पानी। हाँ तो वो पानी अगर घूमते तो ढीला होता, फिर वापस थोड़ा आटा और ले लो, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा आटा और ले लो, फिर थोड़ी देर बाद आपको पता चले पूरे घर वालों का खाना यही बन रहा है। क्यों आटा इतना? आटा इतना बंदा चलेगा। फिर सुबह सुबह भी मैं चलो मैं ही बना देता हूँ, फिर सुबह भी ऐसे ऐसे करते हुए आटा ज्यादा बंदा जाएगा, चलो पूरे घर वालों का खाना नहीं बना। पर सब्जी कुछ नहीं है, पराठे और मसाला एक नंबर। ओके, घी थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। आटा बांधने का लास्ट तरीका क्या पता, आटे को लास्ट में लेके दो थप्पड़ क्यों पड़ती है? अच्छा, वो बमौज कर रहा था। क्या जोरदार तुमने मुंह बनाया, बहुत बमौज कर रहा था। दो दिन का क्या मैल जमा हुआ रहता होगा? हर दो मिनट में हम लोग हाथ धोते हैं, खाना बनाते पोछते रहते तो पानी पर सूखता भी तो रहता है। टिश्यू बेस्ट। तभी कौन सी तुम? ना क्या कहते हैं, नॉन स्टिक लेना मत, तुम तो घी वाली करोगे यार। नीचे से लो। एकड़े 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 खोपचे में जो जी। आपको रोटियां गोरी करी चाहिए? नहीं, दूसरी और होगी ना। ये तो ब्रेक में, ये मैंने कितनी बार निकाल दी है, अब क्या करूं?
ए चीको सीने में दुखने आ जाएगा, मत करो। अब मेरे को इसके लिए डांट फूटेगी। के कारण अब वो नॉन स्टिक तवी जो पड़ी हुई है स्टैंड पे, उसी पे अब बनेगी रोटियां। चीकू फिर खराब हो जाएगी ना? ओके चलो, आपके लिए तो नहीं होती होगी। वो का स्टैंड यहाँ वाले? स्टैंड यहाँ वाले धो के रखे होंगे। उधर साइड देखो, साइड में डोसा तवी की केयर निकल के रख दी। कितनी गंदी होगी ये, फेंकनी चाहिए। स्क्रैच ही कैसे, ऐसे तवे में रोटियां बनती। खजाना मिलती। क्या मिला? खजाना। क्या? ओह, देसी शुद्ध घी। देसी घी। इतना एक्साइटेड आदमी आज तक आपने देखा है किचन में काम करने के लिए? सोने की तरह लग गया। खा जाए ऐसा। Yes. देफगी। देफगी। ठीक है, इतना काफी है ना? ठीक है। मुंह आपका मुंह दिखा ऐसे बोलो। इतनी खुशी। मैं आज थोड़ी ना रहा हूँ। देखो एक बार पूरी रोटी बेली जाएगी, इस रोटी के अंदर जाएगा। बोलो ना आप साथ साथ में। बिना दी पक्का ये व्लॉग देखेगी क्या? अपलोड लुगी का बस एक मन दुबरी था वो चिगुड़ा हो थाएगा तारो ये के में। ये यहाँ पे बन गया पेड़ा। तुम एक ही बार डालते हो अंदर के दो बार डालते हो? लस्सा पराठा बना रहे हैं। लस्सा पराठा यार, मैंने लच्छे पराठे बनाए कितना टाइम हो गया यार। कल परसों बनाती हूँ। पनीर की सब्जी भी बनाई अपन ने बहुत टाइम। पालक, पालक भी अब तो फ्रेश आई होगी। पालक भी फ्रेश आएगी तो फ्रेश पालक पनीर बनाते हैं। और क्या कहते हैं, लच्छे पराठे बनाएंगे। पनीर मायरा को खिलाएंगे पनीर। आज मिली आपको ये? क्या कह रही थी? फर्स्ट गराज में खड़ी हूँ। कितने रुपए की है भैया एक रोटी? भैया कुछ भी कहो, स्ट्रीट फूड वाले, स्ट्रीट फूड वाला जो भी होता है उसके लिए मुंह से भैया ही निकलता है। कितने की है? कितने की है ये एक रोटी? कितने की है? 15 रुपए का पराठा। 15 रुपए? बहुत सस्ता दे रहे हो। देसी घी का पराठा फेमस होता है। अच्छा, आपके लिए 15 है। कैमरा लेके कर लो। पर आप इसके अंदर गुलाब जामुन डाल के तो नहीं दे दोगे? गुलाब जामुन वाला 30 रुपए। तभी से बड़ा पराठा हो गया। सब हो जाएगा टेस्ट से। बस टेस्ट कहीं जाना नहीं चाहिए, टेस्ट ही नहीं रहेगा। देख लो, देखो आप जुगाड़। जब रोटी बड़ी हो जाए तभी से ज्यादा, तो ऐसे करके आप तोड़ सकते। टेंशन नहीं ले, कभी टेंशन नहीं ले। हमारे भी बिगड़ती है, आज तक बिगड़ती है। अच्छा निकलना भी स्टार्ट हो गया। हाँ चलो आप बनाओ, मैं जाके रेस्ट करती हूँ। आज मैं मस्त रूम में बैठूंगी और चिकू खाना बनाएंगे। क्यों क्यों? गरम गरम। हाँ गरम गरम मिलेगा आज खाना। गरम गरम मिलने वाला है। और ऐसा पहली बार होगा मैं अंदर रूम में और आप खाना बना के दे रहे हो। बाकी अपन दोनों किचन में साथ में ही काम करते हैं ना? और मैं मस्त मूवी देख रही हूँ। ए भगवान, गुजराती मूवी देखू छू आज। मने बहुज मजा आवे छे गुजराती मूवी देखवा। हाँ ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। रोटी बन गई? तो मसाला है नहीं पापड़ के, तो जी कोई नहीं, ऐसे वाला ऐसे ही मसाला सेक के देता हूँ थोड़ा सा। कौन सा? ये लाल मिर्ची और घी मिक्स कर देती हूँ। नहीं देसी वाला। पक्का कर दो बेटी। कौन सा करूँ, एग्जॉस्ट करूँ के एक दो प्लेटिंग?
घी और थोड़ा सा मसाला भी दे दो ना, कोरा लाल। मस्त एंजॉय करते हैं एकदम देसी मस्त खाने को। मेरा खाना तो इतना हो गया, मैं तो रूम में लेके आ गई थी खाना, मस्त यहाँ शांति से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि बेचारे अभी खाना बना के इनके लिए लेके आ रहे। कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी आपको? छिप जीन दो तीन सब लेके आए, मस्त यहाँ पे फुल लबालब घी वाली रोटियाँ। नमक कम है पर अच्छी लगती है, बिकॉज कम नमक कम वाली भी रोटियाँ मेरे को तो यम्मी लगी, बहुत टेस्टी लगा आज वाला खाना। अच्छा सो फ्रेंड्स, आज का खाना खाने के बाद बहुत मज़ा आ गया। आपके भी घर पे जो जो भी जेंट्स कुकिंग करते हैं, इस टाइप का मज़ा आता है नहीं आता है? और अगर कुकिंग करते हैं तो कमेंट करो, अब बताओ किस टाइप का खाना बनाते हैं, थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी सजेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम ये बना के खिलाऊंगी। और आज का व्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शॉप करो पर बहुत अच्छी डील्स आई है तो आप शॉप करो पर विजिट कीजिए। बाय।